चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइडल मेकअप किट के बारे में या फिर बिगिनर्स मेकअप किट के बारे में। यूजुअली क्या होता है, हम सब मेकअप तो करना चाहते हैं, बट हम सब इतना ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते मेकअप खरीदने के ऊपर। जैसे आपकी शादी होने वाली है या फिर आपको जस्ट मेकअप स्टार्ट करना है, तो आपके पास आपको एक लिमिटेड बजट दिया गया है कि हाँ इस बजट के अंदर अगर तुम्हें जितनी भी शॉपिंग करनी है उतनी शॉपिंग कर लो। तो अगर कन्फ्यूज कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, क्या पता मैं इनको खरीद लूं उसके बाद में, पता नहीं ये मेरे पैसे जो है मैंने इस पे लगाए हैं तो उसकी वैल्यू आएगी भी या नहीं आएगी, मतलब ये वर्थ है या नहीं है मैं जो पैसे दे रही हूँ उसके। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ब्राइडल मेकअप किट या फिर किसी भी मेकअप किट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए के अंदर आपका सारा सामान उसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर मैंने जो भी प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए हैं वो सब 100 या 200 या फिर 250 रुपए मैक्सिमम यही रेंज है इनकी। बट उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, मैंने उनको खुद ट्राई किया है, मैं उनको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, तो मैं आपको इनके बारे में अभी बताने वाली हूँ जल्दी जल्दी कि कौन से प्रोडक्ट है। और हाँ, मैं इनको स्टेप वाइज बताने वाली हूँ। और दूसरी चीज, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैं आपको किट बता तो दूंगी बट उसके बाद में आप इसके मतलब इससे आप ब्राइडल मेकअप कर पाओगे या नहीं, तो उसकी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी जिसके अंदर मैं सेम प्रोडक्ट यूज करके आपको ब्राइडल मेकअप करके दिखाऊंगी। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप जो है वो वीडियो जरूर देख पाए। और दूसरी बात, अगर आप मेरे को पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो उसका लिंक जो है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसका नाम है पूनम दिग्विजय सिंह। मेकअप के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्राइमर। अब प्राइमर क्या काम करता है, मैं बहुत सारी मेरी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि प्राइमर क्या काम करता है, फिर से बता देती हूँ। प्राइमर क्या करता है, जो हमारे फेस के ऊपर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, अगर आप ध्यान से मिरर में देखेंगे तो छोटे छोटे आपके नाक के आसपास में और हर जगह पे छेद मिल जाएंगे। जब भी हम फाउंडेशन वगैरह करते हैं उससे पहले प्राइमर लगाने से क्या होता है कि हमारा जो प्राइमर होता है उन पोर्स को फिल कर देता है, उन पोर्स में चला जाता है। तो क्या होता है कि फिर फाउंडेशन जब उसके बाद लगाते हैं तो वो पोर्स में नहीं जा पाता है, अपना जो फाउंडेशन होता है वो इवन लगता है, क्लीन लगता है, सुंदर लगता है। तो यहाँ पे जो मैं प्राइमर आपको बताने जा रही हूँ वो है निविया मेन सेंसिटिव आफ्टर शेव बाम। आई नो इट्स मेंस प्रोडक्ट बट काफी सारे ब्यूटी गुरुज और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जो है इसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसका प्राइस जो है मैंने नीचे स्क्रीन पे आपको लगा दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा। एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल है, प्लस ये बहुत ही अच्छे प्राइमर का काम करता है। तो अगर आप कोई अच्छा प्राइमर खरीदना चाहते हैं बट इन बजट, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सेंसिटिव जो वाला है वर्जन है वही आप ले और दूसरा ना ले। ओके, तो फिर सेकंड बारी आती है फाउंडेशन की, जिसके अंदर मैं आपको फाउंडेशन बताने वाली हूँ। दिस इज लैक मेकअप परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। ये फाउंडेशन आपने बहुत बार देखा होगा, आपके नॉर्मली आसपास के किसी भी स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। यह जिसमें शेड है वो है नेचुरल मार्बल, बट आपका जो शेड है आप मैच करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप लगा के और उसके बाद में देख सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कंसीलर की, और इस रेंज के अंदर कंसीलर होना बिलीव मी बहुत मुश्किल है। यूजुअली 500, 600, 700 इस रेंज के अंदर आपको मिल जाएंगे। कलर सेंस की मैंने कंसीलर स्टिक आपके लिए लेकर आई हूँ, बीच शेड है मेरा ये, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे पिगमेंटेशन देता है। इसके अगर आप स्वॉचेस और ट्रायल देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने पूरा आपको मेकअप करके दिखाया है सेम प्रोडक्ट से, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये कंसीलर जो स्टिक है बहुत अच्छी है, आपकी डार्क सर्कल्स को पूरी तरीके से छुपा देगी, साथ ही साथ में आपको बहुत अच्छी कवरेज ये देगी। तो अब बात करते हैं सेटिंग पाउडर की, कॉम्पैक्ट की। तो ये है हमारा मेबिलिन का व्हाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट इन दी शेड मार्बल, एंड ये बहुत ही सस्ता है। साथ में इसके जो कलर शेड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इसके साथ में एक स्पॉन्ज भी आया है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बाय द वे मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, कवरेज बहुत अच्छी देता है। तो उसके बाद में बात करते हैं आई शेडो पैलेट की, और यहाँ पे जो मैं आई शेडो पैलेट यूज करने जा रही हूँ वो है मेबिलिन का द न्यूज आई शेडो पैलेट। आई नो ये महंगा है बट ये ऑल ओवर 3500 रुपए के अंदर आ जाए है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह कोई भी और अल्टरनेटिव ले सकते हैं। वेट एंड वाइल्ड के जो आई शेडोज है वो भी बहुत अच्छे हैं, बट ये वाला आई शेडो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर जो कलर्स है वो बहुत ही न्यूट्रल है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसके अंदर जो फर्स्ट शेड है वो व्हाइट है, इसको आप एज ए हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। ब्राउन जो इसके अंदर आई शेडो है इसको आप एज ए ब्राउ पाउडर यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे शिमरी आई शेडोज आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको ब्लैक कलर का स्मोकी आईज करनी है तो वो ब्लैक कलर भी मिल जाएगा। कंटोरिंग करना चाहते हैं, कंटोरिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल इससे आप कंटोर कर सकते हैं, कोई अच्छी सी ब्रश की हेल्प से आप इसको अच्छे से कंटोर कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें न्यूट्रल शेड्स हैं, साथ ही साथ में बहुत ही यूजफुली पैलेट मेरे को लगा। तो अगर आप इसको खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदेगा, ये पैलेट ऑल ओवर और बहुत ज्यादा लंबा आपको चलेगा।
बहुत अच्छे अच्छे लुक क्रिएट कर सकता है। ये जो कलर है वो शिमरी है, ये कलर भी शिमरी है और ये भी शिमरी है, तो इससे आपको एक न्यूट्रल बहुत ही अच्छा पार्टी मेकअप लुक आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे मैंने आपको ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट मेरी वीडियो में। तो उसके बाद भी बात करते हैं ब्लश की, तो ब्लश में यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश डायमंड 501 और ये जो कलर है ये थोड़ा रानी कलर है, बट इसके अंदर आपको जब इसको अच्छे से ब्लेंड करोगे तो सॉफ्ट पिंक आपको कलर देगा। इसके साथ में स्पॉन्ज भी है जो मैंने इसका यूज करके देखा थी, प्यारा कलर आपको देगा। सिर्फ 100 रुपए समथिंग में है और बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस मैंने नीचे आपको लिख दिया है। तो ये ब्लश जो है मेरा इस 3500 रुपए के किट के हिसाब से बहुत ही सही बैठ रहा है, येट बहुत अच्छा है। मैंने मेबलिन का जो चिकी ग्लो ब्लश है वो इंक्लूड करने का ट्राई किया था पहले, बिकॉज वो ब्लश बहुत अच्छा है बट वो अभी महंगा हो गया, इट्स नियरली 348 समथिंग। बात करते हैं आईब्रो पेंसिल की, और आईब्रो पेंसिल के लिए मैंने यूज की है लैक्मे की आईब्रो पेंसिल जो कि सिर्फ 70 रुपए की। अगर आपको अच्छे से आईब्रो फिल करनी आती है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आप न्यू है तो आई विल नॉट रिकमेंड यू, बिकॉज ये कलर जो देता है बहुत ही ब्लैक कलर देती है, तो आप अपनी ब्राउज को बहुत ज्यादा डार्क कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से इसको यूज करना है, नहीं तो आप जो मेबलिन का न्यू आई शेडो पैलेट है उसको उससे भी अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हो एक अच्छी ब्राउ ब्रश की हेल्प से। ओके, तो फिर बात करते हैं काजल की, तो वी ऑल नो कि इस रेंज के अंदर अपने को बहुत सारे अच्छे अच्छे काजल मिल जाएंगे, बट व्हाट आई विल रिकमेंड यू ये है नाइका रॉक द लाइन काजल, और ये काजल जो है बहुत ज्यादा अच्छा पिगमेंटेड है। मैंने लैक्मे का और मेबलिन के जो काजल है वो ये 100-150 वाले वो मैंने यूज किए थे, बट मुझे कुछ खास पिगमेंटेड लगे नहीं। ये वाला जो काजल है मुझे बहुत अच्छा लगा कंपेरेटिव टू वो वाले जो लैक्मे और मेबलिन के काजल आते हैं 100 या 150 की रेंज में, उससे ज्यादा पिगमेंटेड मुझको ये लगा। साथ ही साथ में बहुत अच्छा ये स्टे देता है, इसको आप एज ए लाइनर भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको लाइनर लिक्विड लाइनर करना चाहते हैं तो लैक्मे का जो लिक्विड लाइनर आता है 180 या 100 समथिंग का वो भी बहुत अच्छा है। उसकी पिक मैं आपको नेक्स्ट दे दूंगी। तो क्या है कि वो मैंने यूज नहीं किया, पर्सनली को लगता है कि बिगिनर्स के लिए वो वाला जो लाइनर है वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट अगर आप फिर भी लिक्विड लाइनर यूज करना चाहते हैं तो वो वाला लाइनर आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं मस्कारा की, और मेबलिन जो है सबसे बेस्ट मस्कारा बनाता है। ये आपको 385 का समथिंग का पड़ेगा, बट अगर आप जो ये यूजुअली सेल लगती रहती है तो अगर आप सेल के अंदर देखेंगे ऑनलाइन तो आपको और भी सस्ता ही मिल जाएगा। बहुत अच्छी लैशेस को कर्ल करता है, आपकी आंखें जो है खुली खुली और बड़ी बड़ी लगेगी, बहुत सुंदर मस्कारा है। मेरा अभी मेबलिन के जो मस्कारे हैं वो मुझे सारे अच्छे लगते हैं, तो ये वाला जो मस्कारा बहुत ही अच्छा लगा मुझको, एज अ ब्राइडल मेकअप के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप लैशेस लेना चाहते हैं बट आप महंगी लैशेस नहीं लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं, तो अमेजोन पे जेनरिक आई लैशेस करके बहुत सारी लैशेस आपको मिल जाएंगी, उनके भी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो अगर आप लैशेस खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं लिपस्टिक की, तो यहाँ पे मैं एक लिपस्टिक आपको दिखा रही हूँ वो है मैटमी की इन द शेड 42। ये जो शेड है ये है रेडिश मरून काइंड ऑफ शेड, तो ये जो है हर आपके स्किन टोन पे जाएगा, फेयर टू लेके डार्क स्किन टोन के ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा। यूजुअली क्या होता है जो चॉकलेटी स्किन टोन होती है उसके ऊपर हम जब भी रेड कलर लगाते हैं तो थोड़ा सा वो जब ब्राइट रेड लगाते हैं तो थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता। ये जो मरून शेड होता है ये क्या करता है कि सभी स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगता है, तो अगर आप ये शेड खरीदना चाहते हैं ये बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक है इन कलर मैटमी की। आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको नायका से ही खरीदें, क्योंकि बाहर जो है वो आपको कभी कभी फेक प्रोडक्ट भी दे देते हैं, जो हमारे जनरल स्टोर्स हैं यूजुअली फेक प्रोडक्ट्स ही देते हैं। ये मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कि यूजुअली जब भी मैं खरीदने जाती हूँ नॉर्मल स्टोर से तो बाद में मुझे रियलाइज होता है कि यार ये तो इतनी अच्छी पिगमेंटेशन नहीं दे रहा है, ये तो उतना अच्छा है नहीं जितना कि मैंने पहले यूज किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग ज्यादातर फेक प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ऑनलाइन ही खरीदें। बाय द वे इस वाली लिपस्टिक के अंदर और एक मिस क्लियर की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम है, वो जो है बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक है। ये ट्रांसफर प्रूफ है, मतलब अगर आप नथ पहन रहे हैं और आपकी नथ जरा ऊपर नीचे होती है तो क्या होता है कि हमारी लिपस्टिक जो है ये यूं फैल जाती है, तो ये लिपस्टिक जो है ट्रांसफर प्रूफ है। आप कुछ खा रहे हैं ये जो लिपस्टिक है आपकी कहीं भी नहीं हिलेंगी, बहुत देर तक टिकी रहेंगी। तो बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं एंड आप ट्राई करके देख सकते हैं, इनके बहुत सारे स्वॉचेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा है मेकअप खरीदना चाहती है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंदूर की। तो जो सिंदूर मैं यूज करती हूँ यूजुअली और मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है लैक्मे का ज्वेल सिंदूर, ये समथिंग 110 रुपए का समथिंग है। और ये क्या है कि पहली बात ये वाटर प्रूफ है, तो क्या होता है कि जब भी हमें कोई स्वेटिंग होती है या फिर क्या हम फेस वॉश वगैरह करते हैं तो एकदम लाइन बन जाती है सिंदूर की। ये मेरी शादी होने के बाद से मैं इसी को यूज कर रही हूँ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई लाइन नहीं बनी। इसके अलावा मैंने और सिंदूर ट्राई किए थे पर मैं वापस क्या करती हूँ घूम फिर किसी पे आ जाती हूँ। ये शेड जो है मरून कलर में है बिकॉज मेरी स्किन टोन के ऊपर मरून कलर बहुत ही सूट करता है, और इसके अंदर हल्की सी आपको ग्लिटर पार्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि इतना ज्यादा विजिबल नहीं होते, बहुत ग्लिटरी ग्लिटरी नहीं है बट थोड़ा सा ही शाइनी है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो फाइनली बात करते हैं
हैं सेटिंग स्प्रेज की, तो यहाँ पे मेरे पास जो सेटिंग स्प्रे है वो है ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सिंग सेटिंग स्प्रे, 200 रुपए का सेटिंग स्प्रे है, बट नायका में अगर आप सेल में लेते हैं तो आपको ये और भी सस्ता मिल जाएगा। पहले ये देख लेते हैं कि सेटिंग स्प्रे क्या काम करता है। जब भी हम पूरा मेकअप कर लेते हैं उसके बाद में जब हम सेटिंग स्प्रे लगाते हैं तो मेकअप क्या होता है, हमारा हिलता नहीं है, वही रहता है, टिका रहता है, अच्छा लगता है मेकअप सेटिंग स्प्रे करने के बाद में। और अगर बात करें हम स्पॉन्ज की, तो मैंने अभी अभी शीन से एक स्पॉन्ज मंगवाया था 189 समथिंग का, अगर आप चाहें तो अमेजन वगैरह से भी मंगवा सकते हैं। जब हम इनको गीला करते हैं थोड़ा, तो ये क्या करते हैं अपनी साइज से थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, फूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि उसके बाद में जो भी ब्लेंडिंग वगैरह होती है हमारे फेस पे, फाउंडेशन वगैरह ब्लेंड करना होता है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। और अगर बात करें ब्रशेस की, तो अगर आप अभी बिगिनर्स हैं, आपको नहीं आता है ब्रशेस यूज करना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप महंगी की बजाय थोड़ी सस्ती ब्रशेस से यूज करें। तो उनका भी मैं लिंक जो है अमेजोन पे जो अच्छी क्वालिटी की सस्ती ब्रशेस है उनका लिंक भी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर 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 चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ज्वेलरी अच्छी लग रही है और आपको भी ऐसी ज्वेलरी खरीदनी है या फिर और ज्वेलरीज और चूड़े खरीदने हैं, तो आप मेरा जो पेज है महारानी बाय पूनम राठौर इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं कुछ अच्छी अच्छी ज्वेलरीज और कुछ अच्छे अच्छे चूड़े और ड्रेसेस, राजपूती ड्रेसेस वगैरह सेल करती हूँ, तो वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं नीचे इंस्टाग्राम लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिनको नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो मैं नेक्स्ट एक क्लिप इंक्लूड करी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है। यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको मेकअप खरीदना। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत हेल्प होती है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स कंपैरेटिवली, व्यूज की कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो आप प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नीचे जो लाइक का बटन है ब्लैक कलर का है उसको ब्लू में बना दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खमा कैसा।